I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. तवज्जो चाहूंगी खवातीन ओ हजरात जी मैंने कहा तवज्जो चाहूंगी खवातीन ओ हजरात हां साहब सारी बातें आज ही कर लेंगे आधा वर्ज है जी इस खाकसार का नाम मुनीरा असलम जियाउल बानो है नाम है ही खजाने का पता थोड़े ही लम्हात में रश के माह बेगम पारा इस महफिल से रूबरू होने को है चंद बातें जिनसे हर मर्द से गौर करने की गुजारिश है बेगम से किसी भी किस्म के जिस्मानी लम्से परहेज करें और आँखों को ना तकने की हिदायत दें बेगम कागजी हैं कोई ज़्यादा देर देख ले तो नज़र लग जाती है इसलिए ठंडी सांसें गहरी आहें और खामोश फुगाएं बेगम की मौजूदगी में गैर जायज़ हैं तो हाजरीन बेगम पारा नवाब जी माफी चाहते हैं नवाब चांदपुर आदाब आदाब आपको पहले कहीं देखा है याद आए कहां तो इतना जरूर कीजिएगा हम भी ढूंढ रहे हैं कब से अपने आप को नूर मोहम्मद इतालवी साहब कहाँ हैं? जी वो बेगम साहब आप कानपुर तक तो थे इतालवी साहब हमारे साथ ट्रेन में हमने देखा था इंतजारियों की फहरिस्त यूँ तो काफ़ी लंबी है पर अब आखिरी वक्त पे किसी अच्छे शायर का मिलना ज़रा मुश्किल ही है बेगम साहिबा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है हमारे जान भाई है ना अरे ये तो बड़े बड़े शायरों की ऐसी की तैसी कर सकते हैं कंपटीशन में नहीं नहीं ये मजाक कर रहा है अरे मजाक तो आप कर रहे हैं जान भाई अभी कल ही भाई ने क्या गजब का शेर कहा था अरे अरे क्या शेर था लियाकत भाई क्या शेर था क्या शेर था वो हाँ क्या शेर था यहाँ पजामे की कीमत कम है मुझे दारू में पानी कम दे एमएलए साहब इरशाद इरशाद कुछ यूं सा है कि यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं मुझे गिलास बढ़ा दे शराब कम कर दे शुक्रिया इतने हसीन शेर का मतलब भी इरशाद करें हाँ साहब अभी हुआ नहीं है काम चल रहा है फिर भी इरशाद कुछ यूं सा था कि क्या था कि अरे भाई कोई मिसरा उछालिए चलिए संवार नोक पलक अबरुओं में खम कर दे बहुत आप देखते हैं कौन कहता है सानी मिसरा तो संवार नोक पलक अबरुओं में खम कर दे गिरे पड़े हुए लफ्जों को मोहतरम कर दे वाह
मतला क्यों नहीं दिया बे? सिर्फ शेर दिया, मतला क्यों नहीं दिया? अबे तुझसे पूछ रहा हूं। हुआ नहीं था तो क्या? हुआ नहीं था ना तो क्या पैदा कर देते? देख रहे हो नूर मोहम्मद दहलवी, इटालवी, नूर मोहम्मद इटालवी। इटालवी ये कहाँ है बे? इटली में। वो फोर्स वाला? हाँ, हमारी अम्मी इटली से हैं। अब क्या बात है यार, मुबारक हो भाई। और अच्छे तो देख भाई, नूर मोहम्मद इतालवी ऐसा है कि शाम तक हमें 20 नई गजलें चाहिए। 20 गजलें शाम? वो भी ऐसी कि सुन के कलेजा मुंह को आ जाए, वरना तेरा भेजा तेरी जानों पे आ जाएगा। अंडरस्टैंड? कोई समझाए इनको कि 20 गजलें शाम तक कैसे होंगी? हम कंप्यूटर हैं क्या? बर्फ थोड़ी दे दीजिए। पहले हरफ फिर बर्फ। वाह वाह वाह, जा भाई ये भी कमाल का मिश्रा हो गया। शुरू हो जा भाई। संभाल के मियां, तेरा संभाल के। कल थोड़ा रहम फरमाना हम पर। तो हाजरीन, मुशायरे की इस हसीन शाम का आगाज़ मैं डॉक्टर बशीर बद्र के एक खूबसूरत शेर से कर रहा हूँ। वो इतरदान सा लहजा मेरे बुज़ुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू ज़बान की खुशबू। और अब मैं खैर मकदम कर रहा हूँ उर्दू ज़बान की इस खुशबू की निगहबान काबिल एहतराम माजिदाबाद की बेगम पारा मीरज़ादा का। बेगम पारा मीरज़ादा माजिदाबाद की अदब नवाजी की नज़र करता हूँ अपना मतला। निर्शाद, जब मैंने उसे खास निगाहे नास से देखा, जब मैंने उसे खास खास निगाहे नास से देखा, आईना फिर उसने नए अंदाज से देखा। चराग जलाते ही पोरस की फौज भाग गई, गली में तन्हा सिकंदर उदास बैठा है। वही ताज है, वही ताज है, वही तख्त है, वही जहर है, वही जाम है। ये वही खुदा की जमीन है, ये वही बुतों का निजाम। अरे लूट लिया जा भाई आपने, लूट लिया। बड़े शौक से मेरा घर जला, बड़े शौक से मेरा घर जला, कोई आंच तुझ पर ना आएगी। ये ज़बान किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम है। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मेरे पास ना वो अल्फाज की चाशनी है, ना वो अंदाज़े सुखन जिससे आप सबको आशना कर गए हैं ये सारे आलिम फाजिल हजरात मुझसे पहले। मेरे पास अगर कुछ है तो सिर्फ एक उड़ियां धड़कता हुआ दिल, जिसकी आवाज़ मैं आज
माजिदाबाद की बेगम साहिबा, जनाबा पारा बेगम की खिदमत में नजर करने का मुश्ताक हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। बहुत जोर से मार दिया तूने। लग गई खालू। देखो हार तो गिर गया था ना उसी दिन। उस दिन जब हम भागे थे ना, तुझे याद है, मैंने गोली चली थी, मैं नली में गिरा था, तो हार तो वहीं गिर गया। मुझे लगा तूने देखा होगा। मैंने तो नहीं देखा खालू। यही तो प्रॉब्लम है तेरे साथ, तू काम में ध्यान नहीं देता है कभी भी। मुझे लगा तूने देखा होगा, उठा लेगा, मैं भागे अपनी जान बचाए। तो फिर तुम कब्रस्तान पे क्यों नहीं आया जो मुश्ताक बुलाया था? मैं क्यों आता? अपनी गिल्ली कटवाने। तेरी तो सलामत है ना बेटे। वो तुम मजाक सूझ रहे हो तुमको? मैं फोन करता हूँ मुश्ताक को, नंबर लगाता हूँ, तारी हेकड़ी बाहर आ जाएगी तुम्हारी। अरे नहीं नहीं नहीं, ये रिया बात करो। नहीं बब्बन, बब्बन मुश्ताक, हेलो हेलो, तू मुश्ताक को फोन नहीं लगाएगा? क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे घाघरे के पिस्सू। इधर देख, क्या ख्याल है? अच्छी है ना? नवाब साहब, आप जी? हाय ला, सब ठीक तो है? जी हाँ बिल्कुल। आपकी नाक से खून निकल रहा है। हाँ? ओ, ओ, लगता है मैं जरा दरअसल जरा भाग रहा था। किस लिए? इतनी तारीफ हुई वहाँ के, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, बस भाग आया वहाँ से। और वैसे भी आपके यहाँ इतनी खातिर हुई है, पिछले दो दिन से इतना खा रहे हैं, इतने पीते ही रहे हैं कि लगता है नक्सीर फूट गई। देखो तो, चलिए हवेली चलिए, हम कुछ लगा देते हैं। जी हाँ, वहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा खून निकला ठीक हो जाएगा अपने। आपकी तारीफ। ये हमारे खादिम है। नाम? बब्बन मियां, अपना नाम बताओ। बब्बन। मुंह लगो। चलिए जी। खादिमों के कमरे हवेली के पीछे, खाने के बाद लिहाफ तकिया लेके आ जाना। अगर तू भी वहीं रहती है ना तो कसम खुदा की मैं तो सेटल हो जाऊं। अब ठीक है जी? शुक्रिया। लाइए। शुक्रिया। जरा हथेली आगे कीजिए, बाई नहीं दाई। क्या क्या देखा आपने? आइए, ये दिल की लकीर है, जगह जगह से कटी हुई। इश्क में बहुत चोटे खाई हैं आपने। आप नजूमी हैं। शौकिया, मगर पेशेवरों से भी पेशेवर। चुप। अच्छा।
इनकी जुबान से निकला सच होके ही रहता है। अच्छा, इसकी बातों में मत आइए, सबसे बड़ी गपोड़ी है। गपोड़ी और हम। कुछ और बताइए ना हमारे बारे में। चलिए, आप जिंदगी के सबसे अच्छे वक्त में कदम रखने को हैं। जितने भी रोग हैं सबका चारा खुद ब खुद हो जाएगा। आप कुछ बहुत कीमती चीज छुपाए रखे हैं अपने पास। अरे बबन मियां, अगर आपने फोन से हमारा फोटो तो खींचो बेगम साहबा के साथ। और फोन की बैटरी डेड है। हमारे फोन में बैटरी है, हम खींच दें। चला फोन दो। कितने मिले? शाम के बाद अगर मुलाकात की कोई सूरत हो तो। शाम के बाद तो रात होती है जी, मेरा मतलब। और आजकल हमारी रातें याद अल जौजा पर टिकी हैं। याद अल जौजा? तारा है चांद के करीब, बड़ी पारे की गेंद सा चमकता है। For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.